हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज बात कर रहे हैं अर्टिका VXI CNG मॉडल की, और इसी वीडियो के अंदर इसके प्राइस और सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। चारों तरफ से प्रोफाइल को कवर करते हुए सबसे पहले इंजन और ट्रांसमिशन की बात करें तो इंजन टाइप इसके अंदर K15C वाला मिलता है। डिस्प्लेसमेंट 1462 cc का इंजन मिलता है। मैक्सिमम पावर 86.63 BHP पावर जनरेट करता है 5500 RPM पर, और मैक्सिमम टॉर्क 121.5 Nm पावर जनरेट करता है 4200 RPM पर। 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। मैनुअल ट्रांसमिशन इसके अंदर मिलता है, 5 स्पीड गियरबॉक्स वाला। फ्यूल परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्यूल टाइप CNG माइलेज इसके अंदर 26 किलोमीटर पर लीटर का मिल जाता है, और CNG फ्यूल टैंक इसके अंदर 60 लीटर का मिलता है। CNG हाईवे माइलेज 27 किलोमीटर पर लीटर का मिल जाता है, और सेकंड फ्यूल इसके अंदर पेट्रोल मिलता है और 20.51 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है। और पेट्रोल टैंक इसके अंदर 45 लीटर का मिलता है, और BS6 इंजन मिल जाता है। ब्रेक्स इसके अंदर फ्रंट ब्रेक, डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और रियर ब्रेक, ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। तो ये सारा सिस्टम इस कार में मिलता है। अब फ्रंट पे देखेंगे तो फ्रंट पे देखने पर सबसे पहले मारुति सुजुकी का लोगो आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर क्रोम ग्रिल और क्रोम गार्निश दिखाई देगी। प्रोजेक्टर हेडलैम्प, हेलोजन हेडलैम्प दिखाई देंगे, और ये सारा सिस्टम आपको दिखाई देगा। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी दिखता है, तो काफ़ी अच्छा है। लेंथ इस कार की 4395 mm है, विड्थ 1735 mm है, हाइट 1690 mm है। 7 लोगों के बैठने की सीट है। व्हील बेस 2740 mm है। कर्व वेट 1250 kg है। और यहां पर आपको मिलते हैं ऊपर की साइड में वाइपर, और 5 डोर मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहां पर एलॉय व्हील नहीं मिलते, सिंपल व्हील मिल जाते हैं, और व्हील कवर मिल जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी स्पेस है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे। ऊपर की साइड में आपको मिरर मिलते हैं, और मिरर पर ही आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, ऊपर एंटीना मिल जाता है। तो ये काफ़ी सिस्टम मिल जाता है। और अब हम चलेंगे इसके अंदर, डोर को ओपन करते हैं। कीलेस एंट्री मिल जाती है, यहाँ से कुछ डुअल टोन में आपको पूरा गेट मिल जाएगा। यहाँ पर लेफ़्ट राइट करने के लिए आप मिरर सेट कर सकते हैं। पावर विंडो का ऑप्शन यहीं पर मिल जाता है, और यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। बोतल होल्डर और कुछ स्पेस मिल जाता है, तो ये काफ़ी सिस्टम मिलता है। किट को सेट करने के लिए कुछ ऑप्शन मिलते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर फ्यूल CNG पर लाने के लिए मिलता है। ऊपर की साइड में AC वेंट मिल जाते हैं, और मीटर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, तो काफ़ी अच्छा। टच मीटर मिलता है, इलेक्ट्रिक मल्टी ट्रिप मीटर, ग्लव कंपार्टमेंट मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक मिल जाता है, डुअल टोन में पूरा डैशबोर्ड मिल जाता है। मारुति सुजुकी का हैंडल पे लोगो मिल जाता है। पावर हैंडल मिलता है, और आप इसे एडजस्टेबल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्विच मिलते हैं, यहाँ से वॉइस कमांड और ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है। मीटर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, तो काफ़ी अच्छा मीटर भी इसका लुक देता है, प्रीमियम लुक देता है। और आप देख सकते हैं इसका पूरा डैशबोर्ड किस प्रकार से डुअल टोन में बहुत सुंदर है, और इसमें 7 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से AC को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ आपको चार्जर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ऑक्स का सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पर कुछ सिस्टम मिलता है, ये है AC का। यहाँ से आपको ठंडा करने के लिए यहाँ पर आप कप होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पर 5 फॉरवर्ड वाला एक आपको गेयरबॉक्स मैनुअल मिल जाता है, हैंड ब्रेक मिल जाता है, और पीछे की साइड में यहाँ पर एक चार्जर मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है। यहाँ पर AC वेंट बीच में मिलते हैं, यहाँ पर भी AC वेंट मिलते हैं, और उधर की साइड भी AC वेंट मिल जाते हैं, और एयरबैग मिल जाता है। तो 2 एयरबैग इसमें मिल जाएंगे आपको, तो ये सारा सिस्टम है। आगे की साइड में दोनों सीटों पर एयरबैग मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है। और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, तो ये अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, तो ना छोटा है ना बड़ा है, तो काफ़ी ठीक है। ऊपर की साइड में आपको मिरर मिलता है, डे नाइट वाला, इसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार सेट कर सकते हैं। ऊपर लाइटें मिलती हैं, और ये देखिए, और यहाँ पर आपको मिरर भी मिल जाता है। धूप आने पर इसको आप नीचे ऊपर कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा पूरा केबिन, तो काफ़ी अच्छा है। और हम अभी पीछे भी चलेंगे, पीछे भी देखेंगे तो काफ़ी, और यहाँ पर सारे हेड रेस्ट जो हैं कई सारे मिलते हैं, सारी सीटों पर हेड रेस्ट मिल जाते हैं, तो ये भी अच्छा है। रियर में मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड, और देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छा पूरा आप देख रहे हैं, केबिन बहुत अच्छा लग रहा है इसका, और हम पहले देखते हैं, और यहाँ से होते हुए जाएंगे दूसरी साइड, और दूसरी साइड पे देखते हैं क्या मिलता है। तो पिछली वाली सीट पे ही देख लेते हैं, तो पीछे वाले पे डोर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, तो ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ कुछ सामान पड़ा हुआ अभी तो इसमें, और ये यहाँ से चार्जर का ऑप्शन मिल ही जाता है,
तो ये सारे फीचर्स इस कार में आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी बड़ा पिछली सीट पे देखने पे फ्रंट में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। एसी वेंट यहाँ पर भी चार मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा है पिछली वाली सीटों के लिए, क्योंकि ये 7 सीटर कार है तो पीछे की सीटों के लिए एसी वेंट ऊपर मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा है और मिलने भी चाहिए, क्योंकि अगर पीछे आपको ठीक से सुविधा नहीं मिलेगी तो पीछे बैठने का फ़ायदा क्या। यहाँ पर कप होल्डर मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर हैंडल मिल जाते हैं और ठीक ठाक है, और पीछे की साइड में देखेंगे कि भाई यहाँ पर बूट स्पेस ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि 7 सीटर कार है तो बूट स्पेस ज़्यादा होने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके कंफर्ट लेवल की। तो चारों विंडो पावर मिल जाती हैं और इसमें एयर कंडीशन मिल जाता है, हीटर मिल जाता है, एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, वैनिटी मिरर मिल जाता है, रियर रीड लैंप मिल जाता है, तो ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। रियर सीट होल्डर मिल जाते हैं, हेडरेस्ट मिल जाते हैं, कप होल्डर मिल जाते हैं, तो ये सारा सिस्टम इसमें मिल जाता है। कीलेस एंट्री मिलती है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो पूरा केबिन पीछे तक कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो ये सारा सिस्टम इसमें कार में मिल जाता है। सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं तो ABS सिस्टम मिल जाता है और ब्रेक असिस्ट मिल जाता है, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है और पावर डोर लॉक मिल जाता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाता है, एंटी थीफ अलार्म मिल जाता है, 2 एयरबैग मिल जाते हैं, डे नाइट वाला मिरर मिल जाता है जो मैंने आपको अंदर दिखाया था, और क्रश सेंसर मिल जाता है, स्पीड अलर्ट का ऑप्शन मिल जाता है इसमें, स्पीड सेंसर, ऑटोमेटिक डोर लॉक मिल जाते हैं। इस कार के व्हील साइज़ की बात करें तो 15 इंच का मिल जाता है। पीछे से हम बूट स्पेस को ओपन करेंगे और देखते हैं बूट स्पेस कैसा दिखता है। तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ बूट स्पेस इस प्रकार से दिखाई देगा। CNG टैंक आपको यहीं पर मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो काफ़ी स्पेस है तो है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सामान इसमें रख सकते हैं। तो नॉर्मल ही है, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो नॉर्मल थोड़े सामान के साथ आराम से आप जा सकते हैं और ज़्यादा सामान नहीं डाल सकते इसमें। जैसे कि बहुत कारें ऐसी होती हैं जिसमें 500-400 लीटर का बूट स्पेस होता है, तो इसमें वो वाला सिस्टम नहीं है। तो काफ़ी प्रीमियम लुक पीछे से भी आपको दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्पीकर की। तो 4 स्पीकर मिल जाते हैं इसमें, 2 आगे 2 पीछे, इंटरग्रेटेड 2 DIN ऑडियो मिल जाती है, USB मिल जाता है और ऑक्सिलरी इनपुट मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो ये सारा सिस्टम इस कार के अंदर मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इस कार के प्राइस की। तो इसके प्राइस एक्स शोरूम कीमत 10,50,000 रुपये के समथिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।